अब ये जानते हैं कि संतान की कामना के लिए क्या उपाय करें पुत्रदा एकादशी पर, जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। प्रातः काल पुत्रदा एकादशी पर पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें, उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी एक साथ संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे। अगर पति पत्नी दोनों मिल करके एकादशी पर उपवास रखें, एकादशी पर व्रत रखें और भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक पूजा करें, प्रक्रियाओं का पालन करें, तो लाभ होने की ज्यादा संभावना बन जाएगी। दोपहर के 12 बजे के पहले सुबह एक बार पूजा कर लीजिएगा और एक बार संध्या काल को भी अगर आप पूजा कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं संतान गोपाल मंत्र के बारे में। संतान गोपाल मंत्र कौन सा है जिसका जप पुत्रदा एकादशी पर किया जाएगा? संतान गोपाल मंत्र है ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहम् शरणम् गता, देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहम् शरणम् गता। संतान गोपाल मंत्र का जप आप कर सकते हैं, या एक बाल गोपाल मंत्र है ये भी बड़ा प्रभावशाली है, आप इसका भी जप कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करना भी संतान प्राप्ति में बड़ा कल्याणकारी होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।